फ्रेंड्स, पानी या किसी फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है वो हल्का हो जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में जाने पर कितना हल्का हो जाएगा और क्यों होगा, चलिए इसे देखते हैं। इस लोहे का वेट हवा में 300 ग्राम है और मैं जैसे ही इसको पानी के अंदर ले जा रहा हूँ तो फिर देखिए कितना कम हो जा रहा है। पानी में जाते ही यह 255 ग्राम का हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस लोहा को पानी के अंदर ले गया तो कुछ वाटर डिस्प्लेस हो गया। मैं इसको इसमें रख दिया हूँ, डिस्प्लेस्ड वाटर को। इस पानी की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं इस लोहा पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वाटर और पानी के द्वारा ऊपर लगाया गया फोर्स का वेट दोनों ही बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं दोनों बराबर हो जा रहा है या नहीं। इसको मैं जीरो कर ले रहा हूँ और चलिए इस डिस्प्लेस्ड वाटर को देखते हैं कितना इसका वेट है। वो 45 ग्राम देख सकते हैं इसका वेट है। इसका मतलब इस लोहे का वेट इस पानी के अंदर जितना कम था उतना ही वेट इस डिस्प्लेस्ड वाटर का है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा चीज अपने बॉडी में फिक्स करूँ जो मेरे बॉडी के वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करे, जिससे मैं पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगूं। चलिए देखते हैं अभी जो हम लोग प्रिंसिपल समझे उस प्रिंसिपल का यूज करके ऐसा कर पाते हैं या नहीं। इसके लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ बैलून, क्योंकि बैलून बहुत ही हल्का होता है और ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक बैलून कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है जब इसका साइज इतना है। तो चलिए सबसे पहले इस बाल्टी का वेट मेजर करके जीरो कर लेते हैं। इस बाल्टी का वेट लगभग 560 ग्राम है। मैं इसको अभी जीरो कर दे रहा हूँ और फिर इसको मैं इसमें दबा रहा हूँ। डिस्प्लेस वाटर को मैं इस बाल्टी में कैप्चर करूँगा। इस बैलून को मैं पूरा दबा चुका हूँ और जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है इस बाल्टी में आ चुका है। अब चलिए इसको तौल कर देखते हैं कितना वेट हो जा रहा है इसका। यस, 3 kg 400 ग्राम देख सकते हैं। 3 kg 400 ग्राम आया है। तो मेरे बॉडी का वेट 60 kg है, तो मुझे लगभग 18 बलून का यूज करना पड़ेगा मेरे बॉडी को फ्लोट कराने के लिए। तो चलिए इस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जा रहे हैं नहर में और देख सकते हैं ये नहर वाला रास्ता है। वाटर सोर्स के पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस बैलून को अपने बॉडी में फिक्स करने जा रहा हूँ। बैलून अब मेरे बॉडी में फिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसके अंदर जा करके देखते हैं मैं इसके ऊपर तैर रहा हूँ कि नहीं। बैलून फूट चुका है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ पर नीचे पत्थर है और फिसलन है, तो मैं जैसे ही नीचे गया तो मेरा पैर फिसल गया और कुछ बैलून फूट गया। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ इस बैलून को पीछे फिक्स करने के लिए। चलिए देखते हैं पीछे फिक्स करने के बाद क्या रेस्पॉन्स रह रहा है।
के पिछले हिस्से में बैलून को फिक्स कर लिया हूँ, तो चलिए अब देखते हैं इसमें मैं फ्लोट कर जा रहा हूँ या नहीं। मैं इस बार बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि मेरा पैर नहीं फिसले, और मैं बहुत ही सावधानी से इस पानी में उतर रहा हूँ। ये मैं आराम से इसमें जा रहा हूँ। मैं आसानी से ही बैलून के मदद से मैं तैर रहा हूँ, और मैं हाथ अपना ऊपर भी कर ले रहा हूँ आसानी से। ये मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत ही आसानी से इस पर लेट गया हूँ, और मैं एक बैलून को तकिया के जैसे लगा लिया हूँ, देख सकते हैं। इस पानी में जाते ही बहुत सारा बैलून फूट गया, लेकिन मैं फिर भी तैरते रहा क्योंकि मेरा बॉडी भी वाटर को डिस्प्लेस कर रहा था और नीचे से बयांट फोर्स लग रहा था, इसीलिए मैं तैरते ही रह गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओ नीचे मछली मेरे पैर पर आ चुका है, लो देख सकते हैं पैर पर मछली आ गया है। लो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। Oh!